तोहफा और आप देख रहे हैं से 24 लाइव। दशहरा आप मना चुके हैं और 20 दिन के बाद दिवाली है। दिवाली आते ही आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि इस बार दिवाली पर चाइनीज़ जो लाइट है उसका बहिष्कार कीजिए और दिया जलाइए ताकि आप हिंदुस्तान को मजबूत कर सकें। तो इस दिया की कहानी जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं एक जगह जहाँ पर लोग खुद से दिया बनाते हैं, बेचते हैं, और इससे जुड़ी जो कहानी है, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे इस व्यक्ति से जो खुद दिया बनाते हैं। आइए बात करते हैं इनसे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जोगिंदर पंडित हुआ, घर बरसौनी, जिला पूर्णिया, थाना सदर। हम लोग का जो है दिया बना के अपना रोजी रोटी चलते हैं और चाइनीज़ आइटम जो निकाल के हम लोग का रोजी रोटी ख़त्म कर दिया, इसलिए हम चाहते हैं कि चाइनीज़ आइटम को बंद करवा जाए और कुम्हार का जो सामान है वो चलाया जाए। और चाइनीज़ आइटम को आप बंद करवाना? जी हाँ जी हाँ। चाइनीज़ आइटम जैसे प्लास्टिक का कोई भी खिलौना हो, दिया हो, बहुत तरह तरह का चीज़ है जो कि बंद कराया जाए। लेकिन सरकार तो बंद नहीं करवा सकती, उसकी दिक्कत ये है कि वैश्वीकरण है, दुनिया भर से माल आता है, ये लोगों को अपने स्तर से करना होगा। अगर वो चाइनीज सामान खरीदना बंद कर दें तो अपने आप आना बंद हो जाएगा। सर हम क्या करें फिर, मेरा सामान का क्या होगा? जैसे चाय पीने वाला गिलास हो गया वो भी बंद हो गया, प्लास्टिक का तरह तरह सामान निकल गया, हम मिट्टी का गिलास जो प्याला है उसको करेंगे क्या, है क्या करके खाएंगे? पर्यावरण के लिए भी अच्छी चीज़ है, अगर प्लास्टिक का गिलास कोई यूज कर रहा है उसके जगह मिट्टी का गिलास इस्तेमाल करे। जी हाँ बेहतर है। जी हाँ, मिट्टी का गिलास यूज होना चाहिए, प्लास्टिक को बंद करना चाहिए। सर प्लास्टिक का जब निकल जाए तो मिट्टी का क्या मोल, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं क्या करेंगे? अच्छा, ये मिट्टी कहाँ से लाते हैं? ये मिट्टी लाते हैं समुद्र से लाते हैं। समुद्र से? हाँ सर। कौन सा समुद्र? समुद्र ऐसा पड़ता है नदी का किनारे। नदी के किनारे? जी हाँ। वो मिट्टी हम लोग 1500 रुपया गाड़ी है और हम लोग को रेट नहीं मिलता है, 1 रुपया 2 रुपया पीस लगाता है, लेकिन हम क्या करें। अच्छा, आप अपना जो ही दिया बनाते हैं, दिया बना के व्यापारी को बेचते हैं डायरेक्ट अपने से? नहीं, अपने से बेचते हैं, व्यापारी कोई लेता ही नहीं है। कैसे सैकड़ा बेचते हैं? सैकड़ा 40-50। खर्चा कितना पड़ जाता है? खर्चा सर बहुत पड़ जाता है, जोड़ने से मेहनत कुछ भी नहीं निकलता। मिट्टी लाए, मजदूरी है आपका? हाँ, कुछ भी नहीं बचता है। कितने लोगों का परिवार है? हम लोग 4-5 लोगों का परिवार है, बहुत किसी तरह रोजी रोटी चल रहा है, बस यही है। इसके अलावा भी और कोई काम करते हैं? नहीं, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो क्या क्या बनाते हैं मिट्टी के? बस यही दिया बनाते हैं, कुल्लड़ बनाते हैं, चाय पीने वाला गिलास बनाते हैं, पानी पीने वाला गिलास, लेकिन सेलिंग नहीं है। लेकिन इसका स्टाइल तो है, आजकल शहरों में देखते हैं कूलर में चाय पीना स्टाइल में हो गया। कहाँ देखते, कोई ग्राहक भी नहीं आता, कोई कस्टमर नहीं आता लेने के लिए। हम लोग बना के रखे हुए लेकिन कोई लेने वाला आदमी नहीं है, कोई खरीदार नहीं, कोई खरीदार नहीं है कि जगह जगह देख रहे हैं प्लास्टिक का सामान बिक रहा है। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन? सरकार से ही निवेदन है कि प्लास्टिक का सामान बंद करा जाए और कुम्हार का सामान जो है कूलर वूलर चलाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।